और प्रैक्टिस का मतलब है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर, उसके अलावा कहीं से भी नहीं, ठीक है। अब एक और बात, जब तुम्हारा अच्छा खासा सिलेबस खत्म हो जाए, जैसे एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, तुमको पता है गेट में उससे कितना परसेंटेज आता है, दूसरा सब्जेक्ट खत्म हुआ उसका कितना परसेंटेज आता है, दोनों का परसेंटेज ऐड करो, तुम अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखते रहो कि कितना परसेंटेज सिलेबस मैं खत्म कर चुका हूं अभी तक, और कितने परसेंट सिलेबस का मटेरियल मेरे पास तैयार हो गया, मतलब शॉर्ट नोट्स बन गए हैं, प्रैक्टिस हो गई, ये सब कुछ हो गया है। मान लो जैसे ही वो 60-70% क्रॉस कर जाए, अब तुम्हारा 60-70% सिलेबस खत्म हो गया है, उसके बाद तुमको क्या करना है, फीडबैक सिस्टम अपना शुरू करना है कि कितनी चीजें तुमको याद हैं और जितनी चीजें तुमने पढ़ी हैं उसमें से कितना तुमने अच्छे से समझा है। कई बार तुमको समझ में आता है कि तुमने समझ लिया है, बट एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तुमको नहीं समझ में आता है। फीडबैक सिस्टम के लिए तुमको फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू करना है। जैसे ही तुम 60-70% से ऊपर सिलेबस कंप्लीट करते हो, तुम एलिजिबल हो जाते हो कि तुम फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो। गेट 2012 का जो मैंने पेपर दिया था जिसमें 58 मार्क्स आए थे, उस समय मेरे पास 68 या 69% सिलेबस ऐसा कुछ खत्म हुआ था, उससे ज्यादा नहीं हुआ, 70 टच नहीं हुआ था, इतना मेरे को याद है, और उसमें मैंने 58 मार्क्स लाए थे क्योंकि पेपर बहुत आसान था, ठीक है। तो वो जैसे 60-70% सिलेबस तुम्हारा खत्म होता है उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखो, जैसे 60% का माइलस्टोन तुमने क्रॉस किया उसके बाद तुम फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू करो। हर एक फुल लेंथ टेस्ट में कुछ ना कुछ गलती या कुछ ना कुछ लर्निंग्स तुमको मिलते रहेंगे, उनको रिकॉर्ड रखो, उनको देखो, उससे कुछ सीखो, ठीक है। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट इन टोटैलिटी तुमको देने हैं 60+ एट एनी कॉस्ट, अगर तुमको अच्छा रैंक लाना है तो। टारगेट में तुमको रखने बोल रहा हूँ एग्जैक्टली टॉप रैंक्स का, टॉप 50 ऐसे रैंक्स का टारगेट रखने बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर उसमें कुछ खराब भी होता है तो 100-200 के अंदर आ ही जाएगा, टारगेट अच्छा रख के चलो। उसके लिए मैं बता रहा हूं तुम लोगों को कि 60+ फुल लंग टेस्ट प्रिपेयर करना जरूरी है। एक और बात, फुल लंग टेस्ट ही देना है हमको, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं देना है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट शुरू में ठीक है, शुरू में एक एक दो दो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दिए, दैट्स इट, बाद में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं देना है। देखो एक और लॉजिक इसका भी मैं समझा देता हूं कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं देना है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तुम्हारा नियरली 50 मार्क्स का होता है, तुम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखो 50-70 ऐसा मार्क्स का रहता है। अभी एक छोटा सा सब्जेक्ट पकड़ो, मान लो हीट ट्रांसफर में 50 मार्क्स से क्वेश्चन प्रोड्यूस करना पॉसिबल ही नहीं है। हर साल 5-6 मार्क्स का हीट ट्रांसफर से पूछता है, और 5-6 मार्क्स से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे दो दो क्वेश्चन मान लो उसने उन्होंने डाल दिया, अब रिपीट तो नहीं करेंगे उसी से टॉपिक, उनको 70 मार्क्स से क्वेश्चन या 50 मार्क्स से क्वेश्चन सेट करने हैं उस पेपर में, ठीक है। 20 मार्क के 30 मार्क के क्वेश्चन उन्होंने सेट कर दिए जो कि रिलेवेंट एरिया से हैं। अब रिलेवेंट एरियाज वाले टॉपिक्स के क्वेश्चन फिर से रिपीट वो अपने टेस्ट सीरीज में करेंगे नहीं, रेपुटेशन की बात है, तो वो क्या जाएंगे, हीट ट्रांसफर के डेप्थ में जाएंगे, हीट ट्रांसफर के ऐसे ऑब्सोलीट एरियाज में जाएंगे जहां पर गेट कभी टच भी नहीं कर सकता, डेप्थ में कभी गेट उतना जाएगा ही नहीं, उतना डिटेल्स में नहीं जाएगा, तो उनको भी वो डाल देते हैं, तो तुम उनके पीछे फालतू में परेशान हो गए। गेट तुमको सिर्फ बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछता है, उसमें ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, इन डेप्थ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है गेट। तो तुमको अगर तुम फुल लेंथ टेस्ट देते हो तो तुमको रिलेवेंट क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में रिलेवेंट क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं रहते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट शुरुआत में एक दो दे दिया चलेगा, बट पूरा प्रिपरेशन में वो सब नहीं बनाना है हमको, सिर्फ फुल लेंथ 60+ देना है, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ थी, एक मिनट, कई सारी चीज़ें हैं जो मैं भूल जाता हूँ, बार बार अपने आप स्ट्राइक करती रहती हैं। शॉर्ट नोट्स का मैंने बोला, हाँ, गेट का फुल नेम क्या है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन एग्जाम इन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो एप्टीट्यूड जो वर्ड यहां पर यूज हुआ है, यहीं से तुमको समझना है कि एप्टीट्यूड का मतलब ये लोग प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस ही तुमको पूछेंगे, कभी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, कभी भी गेट नॉलेज बेस्ड नहीं होता है, इन डेप्थ तुमको नहीं पूछेगा। जैसे मैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन एक बताता हूं, जैसे तुमने शेपर मशीन पढ़ा है, ठीक है, शेपर मशीन में टाइम रेशियो वाला क्वेश्चंस आते हैं। टाइम रेशियो वाले क्वेश्चंस क्या है कि तुमको फॉर्मूला बेस्ड है, प्रैक्टिस बेस्ड है, और तुमको थोड़ा लॉजिक उसमें आता है कि एक सर्कल रिवॉल्यूशन में शेपर एक बार अपना साइकिल कंप्लीट करता है, तो वहां तुम अपना लॉजिक लगा सकते हो। ये ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे ये गेट के क्वेश्चन हुए, बट जो शेपर का बेस का मटेरियल क्या होता है, अब ये चीजें हो गई IES और PSUs के क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जो नॉलेज बेस्ड है, शेपर में जो टूथ होता है, टूथ का मटेरियल क्या है, उसमें क्रोमियम का परसेंटेज कितना है, भाई ये तो नहीं आता है गेट में, कभी नहीं आता है, और ये सारे क्वेश्चन कई बार तुमको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में मिल जाते हैं। तो गेट में कभी भी तुम याद रखो, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत रेयर आते हैं, और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो तुमको एकदम ऊपर लेवल के होंगे, और जो प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो टफ होंगे क्वेश्चन। तो गेट ऐसा एग्जाम है जहां तुमको प्रैक्टिस पे फोकस करना है, प्रैक्टिस जितना हो सके प्रैक्टिस, वो तुम्हारा मेन है,
ठीक है। तो डूज एंड डोंट्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तुमको मेन प्रिपेयर करना है प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इन डेप्थ थ्योरीज में नहीं घुसना है, पढ़ाई जितनी कम करोगे गेट में मार्क्स उतने ज्यादा आएंगे, बट ऐसा नहीं कि उसके बजाय मस्ती करो, उसके बजाय प्रैक्टिस करो, ठीक है। पढ़ाई कम करनी है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ऐसा। लास्ट सेशन तुम्हारा, लास्ट चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, बस 10-15 मिनट का है, कि अभी हमारा गेट पॉइंट का जो शुरू हो रहा है क्लासेस, कल से क्लासेस शुरू होंगी और तुम्हारा प्रोडक्शन सबसे पहले शुरू होने वाला है। इसके पीछे भी लॉजिक है कि प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल, ये दोनों सब्जेक्ट तुम्हारे यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाए जाते हैं और गेट में जो आते हैं क्वेश्चन, दोनों इररिलेवेंट होते हैं। तुमको यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है थ्योरी और गेट में पूछता है न्यूमेरिकल, प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों एकदम अलग हो गए। बाकी जो सॉम टॉम डीएमई एफएम थर्मो ये सब हुआ, जैसा तुमने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया थोड़ा बहुत वैसा ही गेट में आता है। तो अभी तुम यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अगर थोड़े बहुत किए हुए हो तो तुम बाकी सब्जेक्ट्स में गेट का 50% थोड़ा बहुत नॉलेज रखे हुए हो, बेसिकली तुमको थोड़ा आइडिया है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल तुमको सच में कुछ नहीं पता है। अगर तुमको लगता है कि तुमने प्रोडक्शन पढ़ाया यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल बेकार, तुमने बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं पढ़ाया यूनिवर्सिटी के अंदर में, सिलेबस हमारा वैसा था ही नहीं, एकदम नया प्रोडक्शन तुम पढ़ने वाले हो जो हम लोग गेट के लिए शुरू करेंगे। तो प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे, क्योंकि इसको शायद तुमको 2-3 बार रिवाइज करना पड़े अच्छे से समझने के लिए। बाकी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो तुमने यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, उसी टाइप का गेट में आता है, तो उनको एक बार भी पढ़ लोगे तुम तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो जो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए इजी है उनको पीछे रखा जा रहा है, जो प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इसको शायद तुमको 2-3 बार पढ़ना पड़े। इंडस्ट्रियल खासकर ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम एकदम पहली बार पढ़ोगे, एलियन सब्जेक्ट हो तुम्हारे लिए और उसको पहली बार में समझना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए उसको पहले रखा जा रहा है ताकि तुम्हारे पास इतना टाइम रहे एक साल का, तुम उसको रिपीट कर सको। अगर तुमको पहली बार में नहीं समझ में आ रहा है तो जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा समर वैकेशन के बाद, तुम लोग अगर फिर से जाओगे तो फिर से प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल क्लास हम लोग रिपीट कर देंगे अगर तुमको नहीं समझ आएगा। मेरे ख्याल से तुमको इंडस्ट्रियल की जरूरत पड़ेगी फिर से रिपीट करने की, अगर पड़ती है तो उसको फिर से रिपीट किया जाएगा क्योंकि इंडस्ट्रियल वैसा ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाकी जनरल सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तुम्हारा सिलेबस नियरली समर वैकेशन के पहले खत्म होगा, ठीक है। समर वैकेशन के पहले एक नॉकआउट सीरीज तुम्हारी हो जाएगी, मतलब समर वैकेशन के एक महीना पहले तक तुम्हारा 60-70% जो मैं बोल रहा हूँ सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो मैं कंसिडर करूंगा कि मेरे साथ साथ तुम लोग भी 60-70% सिलेबस खत्म कर लोगे अपनी तरफ से, ठीक है। तो एक नॉकआउट सीरीज वहीं पर तुम्हारे समर वैकेशन के पहले शुरू हो जाएगी। समर वैकेशन से जस्ट पहले, जैसे अभी मैं सेशन ले रहा हूँ एक, ये तुम्हारा इनिशियल फेज का सेशन है। अभी मैं तुमको वो समझा रहा हूँ जो इनिशियल स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए। ऐसे 5 सेशन थ्रू आउट द कोर्स चलेंगे, हर एक पार्ट में हम लोग अलग अलग चीजों पर डिस्कस करेंगे कि अब हम लोग इतना सिलेबस खत्म हो गया अब क्या करना चाहिए। जैसे समर वैकेशन के पहले मैं तुमको बताता हूँ समर वैकेशन में तुम लोगों को अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा समर वैकेशन के पहले। एक ऐसे ही गेट स्ट्रेटेजी सेशन होगा, ठीक है। आने के बाद एक एफएम नाम का सब्जेक्ट बचे रहेगा लास्ट में, वो आखिरी में तुम्हारा समर वैकेशन के बाद होगा। नॉकआउट सीरीज 2 चलती रहेगी, उसके साथ साथ में एफएम चलेगा और तुम्हारे कोर प्लेसमेंट से पहले एक प्लेसमेंट ड्राइव होगी तुम्हारी। मतलब इस बार मैंने ये नया सोचा है कि प्लेसमेंट में कई बार ऐसा होता है अच्छे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के बारे में परेशान हो के गेट का प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। हमारे टाइम पे बहुत ऐसा हुआ था। मेरा प्लेसमेंट तो पहली कंपनी में हो गया था, मैं किस्मत वाला था या जो भी बोलो प्रिपरेशन ठीक थी, तो मेरा प्लेसमेंट पहली कंपनी में हो गया था, उसके बाद मैं गेट के लिए सीरियस हो गया। बट कई ऐसे बच्चे थे जो टैलेंटेड थे हमारे बैच में, बट प्लेसमेंट के बारे में टेंशन में आके इतना प्रेशराइज हो गए वो बेचारे कि गेट का प्रिपरेशन छोड़ ही दिया पूरा का पूरा। तो वैसा तुम्हारे बैच में हो सकता है, ये मेरे को पता है। तो इसीलिए तुम लोगों का कोर प्लेसमेंट से पहले एक ड्राइव चलेगा, करीबन 20-25 दिन का ड्राइव होगा, जहां तुमको कोर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में गाइड किया जाएगा। मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि उस गाइडेंस के बाद तुम्हारा कोर में प्लेसमेंट होगा तो फिर तुम गेट के लिए सीरियसली स्टडीज शुरू कर पाओगे। तो उससे मेरे को फायदा होगा कि कम से कम कुछ मेरे सीरियस स्टूडेंट्स तो गेट के लिए उसके बाद टेंशन फ्री होकर प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, ये तुम्हारा एक चीज होगा। और फिर जो प्लेसमेंट सीजन तुम्हारा खत्म होगा उसके बाद सिर्फ तुम्हारा सिमुलेटेड गेट टेस्ट सीरीज यही सब चलते रहेगा गेट पॉइंट पे।